हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम रिव्यूज़। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ़ैन हीटर्स के बारे में। हो सकता है आप लोगों को एक फ़ैन हीटर ख़रीदना हो, आप लोग डाउट में हो कि कौन सा फ़ैन हीटर आपके लिए सही रहेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करूँगा। आपको बताऊँगा इंडिया में कौन से बेस्ट फ़ैन हीटर अभी अवेलेबल हैं। फ़ैन हीटर के पहले बताऊँ मैं आपको किस तरीके से फ़ैन हीटर काम करता है। तो फ़ैन हीटर कन्वेक्शन मोड में काम करता है, जिसमें फ्रंट में आपका मेटलिक कॉयल रहेगा जो कि हीट होगा, पीछे में उसके एक फ़ैन लगे रहेगा जो कि हवा ब्लो करेगा, जिससे आपको गर्म गर्म हवा मिलेगा। फ़ैन हीटर यूजली क्लोज रूम को अच्छा खासा गर्म कर सकता है, बहुत तेज़ भी गर्म कर सकता है। पास में बैठेंगे तो और अच्छा खासा उसमें से आपको गर्म हवा मिलेगा, जिससे आप ठंडी के टाइम में हाथ अच्छे से सेकाई भी कर सकते हैं। फ़ैन हीटर नॉर्मली कॉस्टली भी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रहता है, तो इसको आप इजीली अपने घर में रख सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल रूम हैं आपके घर में, जिसमें अलग अलग लोग रहते हैं, तो उन लोग भी सब ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ये फ़ैन हीटर रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी कम ही कंज्यूम करते हैं अगर कंपेयर करेंगे दूसरे से, क्योंकि फ़ैन हीटर थोड़ा फास्ट भी हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोज रूम को बहुत जल्दी गर्म कर सकता है। ऐसा तो होगा नहीं आप उसको 24 घंटे चालू करके रखेंगे। 24 घंटे वाली बात आ रही है, तो यहाँ पे सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो फ़ैन हीटर या कोई भी रूम हीटर हो, उसको आपको हमेशा चालू करके नहीं रखना चाहिए। एकदम पास में भी आपको उसको चालू रखना नहीं चाहिए, या अगर आप रात को सो रहे हैं उसको आप रात भर चालू करके ना रखें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि सेफ्टी के प्रॉब्लम हो। बाकी अभी जितने भी फ़ैन हीटर्स के बारे में अभी आपसे बात करूँगा, ये इंडिया में आपको बेस्ट मिलेंगे, अमेज़न पे सारे अवेलेबल रहेंगे। एंड इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी फ़ैन हीटर पसंद आता है, आप उसको खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। 5th नंबर पे जो फ़ैन हीटर है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक एरेवा। ये जो ओरिएंट की तरफ से फ़ैन है, इसमें इसका हम लोग अगर बात करें कितने साइज़ के रूम के लिए सपोर्टेड रहेगा, तो अराउंड 180 स्क्वायर फीट का जितना रूम का साइज़ रहेगा उसके लिए सूटेबल रहेगा। मोटर इसमें फुल्ली कॉपर मोटर दिया गया है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसमें आपको मोटर की जो स्पीड रहेगी 2300 RPM की देखने को मिलेगी। बॉडी की बात करें तो ABS प्लास्टिक से बॉडी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, शॉक प्रूफ रहेगा। प्लास्टिक में वैसे भी करंट फ्लो होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, ड्यूरेबल भी रहेगा इसका बॉडी। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट दिया गया है, मतलब जो टेम्परेचर आपका रहता है रूम में, अगर आप फ़ैन हीटर के थ्रू लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपको दो सेटिंग्स दी जाएगी, जिसमें यूजली होता क्या है, 1000 वाट एक रहेगा एंड एक 2000 वाट रहेगा। 2000 वाट वाला थोड़ा ज़्यादा आपको गर्म करके देगा, 1000 वाट वाला थोड़ा कम करके गर्म देगा। ये जो फ़ैन हीटर है इसको आप बाई डायरेक्शनल यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको आप वर्टिकली रखना चाहें तो वर्टिकली भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली रखना चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल भी प्लेस करके रख सकते हैं। साथ साथ ये जो फ़ैन हीटर है ये ISI अप्रूव भी है। 4th नंबर पे जो फ़ैन हीटर आता है वो है हेवेल्स सिस्टा। ये जो हेवेल्स का फ़ैन हीटर है, इसमें भी आपको 2 हीट सेटिंग देखने को मिलेगी, एक 1000 वाट का रहेगा, एक 2000 वाट का रहेगा। मतलब सारे फ़ैन हीटर में यूजली क्या होता है, 2000 वाट का रहेगा, उसमें बस टेम्परेचर चेंज करने के नाम पे आपको 1000 वाट, एक पावर 1000 वाट का रहेगा एंड एक पावर आपको 2000 वाट का रहेगा, जिसके हेल्प से टेम्परेचर चेंज होता है। इसमें भी आपको कॉपर मोटर देखने मिलेगा जो कि लॉन्ग लाइफ चलेगा, बहुत लंबा चल सकता है कॉपर मोटर, ऑब्वियसली अच्छा खासा परफॉर्म भी करता है। ये जो फ़ैन हीटर है इसमें आप एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जो फ़ैन हीटर का हाइट है वो एडजस्ट हो सकता है, जिसमें भी आप कन्वीनियंट रहे आपके लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी की बात करें, कूल टच बॉडी है, जिसको आप इजीली कहीं भी पिक करके ले जा सकते हैं। अगर चलते हुए भी इसको पिक कर रहे हैं तो भी इसमें आपको कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओवरहीटिंग का प्रोटेक्शन दिया गया है सेफ्टी के मामले में। फ़ैन स्पीड जो रहेगा इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। 3rd नंबर पे बात करें तो इसमें आता है ऑर्पेट की तरफ से फ़ैन हीटर। ये जो ऑर्पेट का फ़ैन हीटर है, इसके अगर हम लोग यूसेज की बात करें तो ये अराउंड 250 स्क्वायर फीट का जो कमरा रहता है इसके लिए सूटेबल रहेगा, बहुत जल्दी इसको गर्म कर सकता है। इसमें भी आपको कॉपर मोटर देखने को मिलता है जो कि लॉन्ग लाइफ चलेगा, साथ ही साथ जो हीटिंग एलिमेंट है इसमें ये भी लॉन्ग लाइफ के लिए रहेगा, विदाउट सैगी। मतलब इसमें बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, लटक जाते हैं, थोड़ा लूज़ हो जाता है, यहाँ पे ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेफ्टी की बात करें तो इसमें एक सेफ्टी कट ऑफ फीचर दिया गया है, ऑटो रिवॉल्विंग है, मतलब जो फैन रहेगा वो आपका रोटेट करते रहेगा, ओवर हीट का भी प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको 2 हीट सेटिंग देखने को मिलेगी जो कि 1000 वाट एंड 2000 वाट का रहेगा। ये जो ऑर्पेट की तरफ से हीटर है, ये आप इसको विदाउट हीटिंग एलिमेंट चालू करें फ़ैन तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हीटिंग एलिमेंट नहीं भी चलेगा तो फ़ैन चलते रहेगा, जिससे आप इसको आप नॉर्मल फ़ैन के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 2nd नंबर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आता है अमेज़न ब्रांड सोलिमो फ़ैन हीटर।
ये जो अमेजोन ब्रांड की तरफ से है फैन हीटर, ये भी आपका इसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखा जाता है। 2400 RPM की इसमें मोटर देखने को मिलेगी, जो कि मोटर है फुल्ली कॉपर है, बिल्कुल भी मतलब इसमें डैमेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। प्लास्टिक बॉडी है, ABS प्लास्टिक बॉडी है, जो कि शॉक प्रूफ रहेगा, अच्छा खासा ड्यूरेबल भी रहेगा। इसमें जो इसमें सामने ग्रिल देखने को मिलेगा, ये रस्ट फ्री ग्रिल है, बहुत उसमें मतलब पाउडर कोटिंग की दिया गया है, जिसके हेल्प से जो भी रस्टिंग का प्रॉब्लम होता है मेटलिक में, उसमें कोई भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग मिल सकता है, एक कूल रहेगा जिसमें आपका हीटिंग एलिमेंट नहीं चलेगा, एक रहेगा आपका वार्म थोड़ा मतलब 1000 वाट का रहेगा, एक रहेगा आपका हॉट जो कि 2000 वाट का रहेगा। इसमें एक दिक्कत यह है कि इसका जो फैन है ये फिक्स स्पीड में चलता है, मतलब इसके फैन के स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हीटिंग कितना करना है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी में इसमें भी आपको ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, ये भी बाई डायरेक्शनल यूज़ है, इसको भी मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है इसको आप वॉल में भी माउंट करके यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। लास्ट में भी आपको ऑर्पेड की तरफ से फैन हीटर देखने को मिलेगा, जो कि पहले नंबर पे है। ये इसका भी यूसेज की बात करें, 250 स्क्वायर फीट तक इसको यूज़ कर सकते हैं रूम साइजेस को। 100% कॉपर मोटर देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्ग लाइफ चलेगा। इसके ऊपर भी आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगी, जो कि ABS प्लास्टिक से बना हुआ है। साथ ही साथ सेफ्टी ग्रिल में भी पाउडर कोटेड सेफ्टी ग्रिल है, जो कि रस्ट फ्री रहेगा। सेफ्टी का तरफ से कट ऑफ फीचर दिया गया है, ओवरहीट प्रोडक्शन देखने को इसमें मिलेगा। इसमें भी आपको हीट से एडजस्ट करने के लिए 1000 वाट एंड 2000 वाट की सेटिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यही थे मेरे लिस्ट बेस्ट फैन हीटर्स इन इंडिया। ये जो फैन हीटर्स रहते हैं इसके एक ड्रॉबैक इसमें देखने को ये मिलता है कि जो इसका फैन है वो थोड़ा नॉइस क्रिएट करता है। हो सकता है आप लोग को ऐसे में प्रॉब्लम हो, बहुत लोगों को इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यूजली घर में जितने भी फैन रहते हैं वो भी आवाज़ थोड़े मोड़े तो करते ही हैं, तो यहाँ पे बस एक ही है ड्रॉबैक मैं इसके बारे में कहूँगा। बाकी अगर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई रहती है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मेरे को बताइएगा कौन सा फैन हीटर आपने सेलेक्ट किया है, या अगर आप कोई भी इसमें से फैन हीटर यूज़ कर रहे हैं तो साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाएगा, ताकि आगे कोई भी वीडियोज़ लाऊँ तो आप उसको मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।